बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं वो टिकटॉक की गंदी तरीन ख़वातीन जो कि अब उभर कर सामने आ रही हैं, यानी कुत्ती थैले से बाहर आ रही है। एक का ड्रामा मीनारे पाकिस्तान में बेनकाब हुआ, बदनाम पूरा पाकिस्तान हुआ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पास ही नौजवान लड़के और लड़कियाँ हुई, और दूसरी साइड पर इस तरह की बेहया ख़वातीन यानी टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया ऐप्स के स्टार्स, नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पास ही ख़वातीन जहालत की इंतहा करते हुए सोशल मीडिया इंटरनेट पर ट्रेंड बन चुकी हैं। तो इस चमगादड़ नमा खातून पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल वायरल पाक टीवी को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे भी फॉलो कर लें ताकि आप वहाँ पर भी हमारी वीडियोज़ बआसानी देख सकें। तो चलें सर, आप लाहिज़ा कर लें इस वीडियो को। यहाँ पर आपको ये मोहतरमा बिना शलवार के टिकटॉक वीडियो रिकॉर्ड करके इन सोशल मीडिया ऐप्स की सनत बनाती नजर आ रही होंगी। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा सारफीन की तरफ से ट्रोल भी किया गया, इन मोहतरमा को शर्म फिर भी नहीं आई। और मेरा जिस मेरी मर्जी करने वालियों की नाजायज़ औलाद इस चमगादड़ नमा खातून ने अपनी इस बेगैरती को डिफेंड करते हुए ये कहा है, शलवार इज़ फॉर्मेलिटी एंड दुपट्टा इज़ यूज़लेस, बोथ मेक यू फील अगली। तो शलवार सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और दुपट्टा बिल्कुल ही यूज़लेस है, यानी उसका कोई काम ही नहीं है, और ये दोनों चीज़ें आपको अगली बनाती हैं, ये कहना है इस बेहया खातून का। और यही वो एजेंडा है जो कि मेरा जिस मेरी मर्ज़ी करने वालियों का है, जो कि पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने का पूरा पूरा सामान कर चुकी हैं। बैरूनी फंडिंग से ये लोग पाकिस्तान में बुराई फैलाती हैं, और सोशल मीडिया स्टार्स तमाम ही इसी लाइन में लगी हुई हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी औलादों को मोबाइल फ़ोन थमा दिए हैं, अपनी नौजवान नस्ल को हम मोबाइल फ़ोन दिए बगैर रहते नहीं हैं, क्योंकि हमें प्यार उनसे बड़ा है। हालाँकि हम उनसे ऐसी दुश्मनी निभा रहे हैं जिसका अजाला हम आने वाले वक्त में भुगतेंगे, कि जब मेरा जिस मेरी मर्ज़ी करने वालियाँ हमारे घरों से पैदा होंगी, मेरा जिस मेरी मर्ज़ी करने वालों को सपोर्ट करने वाले हमारे घरों में से निकलेंगे। खैर, मेरी बातें सख्त कड़वी ज़रूर हो सकती हैं, मगर ऐसी बेहया ख़वातीन हमारी सोसाइटी का नासूर हैं जो अपने साथ कई और को बुराई में मुबतला करके रहेंगी, और ये कहती हैं कि ये 2021 है और आप सब अभी तक शलवार पहनते हो, और साथ में ये तंजिया सी मुस्कराहट भी। हमारी आंखें और कान तो खुल जाने चाहिए मगर नहीं खुल पा रहे, तो इंतज़ार कीजिए उस वक्त का जब ऐसे हर घर से बेगैरत बरामद हों और बुराइयां अपने उरूज पर हों। अल्लाह पाक ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इब्ने आदम को गैरत नसीब करे, बिनते हवा को हया नसीब करे। आमीन सुम आमीन। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस मुतालिक आपकी क्या राय है, मेरी बातों के मुतालिक भी, और आप मुझे सपोर्ट करने वाले हैं या इन लोगों को सपोर्ट करने वाले, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरे सपोर्टर हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। आप सबका बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।